हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण गिरी और आपके अपने चैनल टेक्निकल कंसेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है डीह्यूमिडिफायर। तो आज की वीडियो हम देखेंगे कि डीह्यूमिडिफायर कैसे वर्क करता है। स्पेशली हम डेसिकेंट टाइप डीह्यूमिडिफायर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में आपको रेफ्रिजरेंट टाइप डीह्यूमिडिफायर के बारे में बताया था। तो आज की वीडियो में स्पेशली हम डेसिकेंट टाइप डीह्यूमिडिफायर के बारे में बात करेंगे कि इसका कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और इसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसा होता है, कैसे वर्क करता है। ओके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो ये एक सीमेटिक डायग्राम है डेसिकेंट टाइप डीह्यूमिडिफायर का। ये इसका पार्ट्स हैं, चलिए पहला पार्ट है ये ब्लोअर। ओके, देन ये डेसिकेंट रोटर, देन एक ड्राइव मोटर, देन एक हीटर, ओके, और ये डक्टिंग। ओके, तो ये प्रोसेस ये जो ब्लोअर क्या करता है, हमारा जो मॉइस्चर वाला एयर है जिसके अंदर से मॉइस्चर निकाला है, उस एयर को इस रोटर के ऊपर डेसिकेंट रोटर है उससे पास करता है। ओके, देन पास होने के बाद दूसरे साइड जो एयर निकलता है उसका उसके अंदर मॉइस्चर नहीं रहता है और ड्राई एयर होता है। जो हमारा ये रोटर है ये टू सेक्शंस में डिवाइड होता है। इसमें जो एक 60% जो सेक्शन है पोर्शन है इसका जो पेरीमीटर है वो ड्राई करने के लिए प्रोसेस एयर को ड्राई करने के लिए यूज किया जाता है, और इसका जो 40% जो पोर्शन है आप देख सकते हैं ये रीएक्टिवेशन के लिए जो जेल है उसको इसके अंदर सिलिका जेल होता है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो ये जो 40% जो पोर्शन है वो रीएक्टिवेशन के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो ये जो रोटर है इसके अंदर सिलिका जेल होता है, सिलिका जेल भरा होता है, और सिलिका जेल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके कांटेक्ट में जो भी मॉइस्चर आता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तो जब हम वेट एयर को इस सिलिका जेल के थ्रू पास करते हैं तो उसके अंदर जो एयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तो एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करना पड़ता है हमें, इसको वापस इधर हम दूसरे साइड में जो एयर पास होता है वो ड्राई एयर होता है। अब हमको क्या करना पड़ता है, इसके अंदर जो सिलिका जेल के अंदर जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया उसको वापस रिमूव करके उस हमें जेल को वापस रीएक्टिवेट करना पड़ता है, क्योंकि अगर सिलिका जेल की एक लिमिट होती है कि वो कितना मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है। ओके, तो हमें वापस इसको रीएक्टिवेट करना पड़ता है। तो रीएक्टिवेशन के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे ये व्हील है इसका 40% पोर्शन हम रीएक्टिवेशन के लिए यूज करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो ये डक्ट है इससे कुछ क्वांटिटी का एयर हम इस पोर्शन से पास करते हैं। जो 40% है इसको अगेन टू पोर्शन में डिवाइड किया गया है, 20-20। ओके, तो हम इस 20% से हम पास करते हैं। ओके, तो जब यहाँ से पास होता है तो ये जो वेट एयर है, क्योंकि ये भी तो यहाँ से आ रहा है वेट एयर है, ये वेट एयर यहाँ पर ड्राई हो जाता है। फिर हम ये ड्राई एयर को हीटर से पास करते हैं तो ये 90-140 डिग्री सेल्सियस तक हीट हो जाता है। फिर हम हीटेड एयर को जब इससे पास करते हैं तो इस सिलिका जेल के अंदर जो मॉइस्चर है वो इवेपोरेट होता है और वेपर के फॉर्म में यहाँ से निकल जाता है। ओके, तो जब जो यहाँ से एयर निकलता है वो वेट एयर होता है, क्योंकि उस इस पोर्शन के अंदर जो मॉइस्चर है सिलिका जेल के अंदर जो मॉइस्चर है वो वेपर के फॉर्म में इस एयर के थ्रू आ रहा है। ओके, तो इस तरह से हमारा जो सिलिका जेल है वापस रीएक्टिवेट होता है, और वापस यहाँ से जब पास होता है एयर तो हमारा एयर को ड्राई करता है। ओके, ये ड्राइव मोटर है जो इस व्हील को रोटेट करता है। ओके, तो ये हो गया इसका पूरा कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। तो ये रहा आज का पूरा वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। So thanks for watching. Bye bye.